नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। पूरे देश में गुजरात चुनाव के नतीजों का विश्लेषण हो रहा है। चर्चा और बहस का मुद्दा यह है कि सवाल जीतने वाले से पूछा जाए कि हारने वाले से। बीजेपी 22 साल बाद भी गुजरात में 99 पर नॉट आउट जरूर रही, लेकिन उसके लिए गुजरात से आगे की इनिंग के लिए चुनावी पिच आसान नहीं होगी, क्योंकि अगले साल 8 राज्यों के चुनाव होंगे, जिनमें हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन इसके बीच राहुल गांधी खुद को चैंपियन क्यों बता रहे हैं, ये किसी के लिए समझना और भी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ गुजरात ही नहीं हारी, बल्कि हिमाचल प्रदेश भी उनके हाथ से चला गया, जहां उसकी सत्ता थी। जहां ये बात सही है कि गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने आक्रामक कैंपेन किया, बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, वहीं ये बात भी सही है कि इतना सब करने के बावजूद वो 22 साल बाद भी बीजेपी को गुजरात में सरकार बनाने से रोक नहीं पाई, जबकि हिमाचल प्रदेश को तो कांग्रेस एक तरह से भूल गई कि वहां भी उसकी सरकार थी, जो 5 साल में ही उसके राजनीतिक विरोधी ने छीन ली। कांग्रेस के हाथ में अब सिर्फ 4 राज्य बचे हैं, फिर भी हार राहुल गांधी के लिए चमत्कार कैसे है? राहुल गांधी के चुनावी धर्म कांटे में हार का वजन ज्यादा क्यों है? खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत इसी सवाल से। तीन चार महीने का हमने सॉलिड काम किया और रिजल्ट आपने देखा है। बीजेपी को जबरदस्त झटका पड़ा है और गुजरात में पड़ा है। प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है, मगर अंदर से खोखला है, और जो हमने कैंपेन लड़ा उसका वो जवाब नहीं दे पाया। हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, हार गए, जीत सकते थे, वहाँ थोड़ी कमी हो गई। गुजरात और हिमाचल प्रदेश हार कर भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक तरह से खुद को चैंपियन बता रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि सवाल हारने वाले से नहीं जीतने वाले से पूछना चाहिए कि वो 99 पर नॉट आउट क्यों रहा। गुजरात के नतीजों के बाद एक दिन के साइलेंट मोड को राहुल गांधी ने दूसरे दिन नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ दिया। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, एंड फ्रेंकली मोदी जी हैज अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम, एंड ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो उनके जो फोर्सेज हैं, उनका जो संगठन है, उसको वो रिपीट कर रहा है, मगर देश उसको सुन नहीं रहा है। ये गुजरात के चुनाव ने दिखाया, और ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह दिखेगा। एक ही कंपनी हिंदुस्तान में जो 50,000 रुपए को। चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी ने ये लॉजिक इसलिए दिया कि गुजरात में बीजेपी की जीत आसान नहीं रही। ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 20-30 साल का आंकड़ा यही कहता है। 1995 के बाद 22 साल में पहली बार बीजेपी गुजरात में 100 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। 1985 के बाद 32 साल में इस बार की 80 सीट कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। लेकिन आखिरी बात तो ये रही कि इस बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी राहुल गांधी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां से नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में राजनैतिक तौर पर ध्वस्त कर सकते, जिसे कल खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी बड़ी जीत बताया। चारों तरफ से हमले हो रहे थे, अपप्रचार की आंधी चली थी, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ दिखती थी कि मैदान में है, लेकिन उसके सिवाय इतनी ताकतें लगी हुई थी कि एक बार गुजरात में गिरा दो। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई। अगर सब जीत गए तो फिर हारा कौन, ये राहुल गांधी के एक तरह से जीत वाले दावे से समझना मुश्किल है। नंबर के मामले में जीतने वाले ने नंबर के मामले में हारने वाले को जीत पर बधाई भी दे दी। लोकसभा से लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार ही हार हो रही है, अब हार को ही विजय मानना तो मुबारक हो ऐसी विजय। और भी जगह चुनाव है, वहां भी आपको ऐसा ही विजय मिलेगा, यानी आप हार जाओगे, लोग हराएंगे,
और इसलिए झटका कांग्रेस को लगा, लेकिन झटका लगा है ये समझना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की जीत राहुल गांधी को अपनी जीत क्यों लग रही है? क्या इसकी वजह ये है कि सवालों से खुद को बचाया जाए, हार में जीत को आगे की लड़ाई के लिए पावर डोज बनाया जाए और उस मोदी मॉडल को घेरा जाए जिस पर कल प्रधानमंत्री खुद नारे लगवा रहे थे? गुजरात में विकास को क्या हो गया? ये कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने गुजरात में विकास को पागल कर दिया। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये साफ तौर पर गुजरात के आगे की लड़ाई है जिसमें राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी के नॉट आउट 99 के नंबर को भी नरेंद्र मोदी को याद दिला रहे हैं, भले ही खुद राहुल गांधी पूरा जोर लगाकर भी गुजरात जीत नहीं पाए। उधर हिमाचल भी हाथ से चला गया। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। चुनावी राजनीति में बहुमत के नंबर मायने रखते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद किसी को नंबर याद नहीं रहते। याद रहती है तो सिर्फ ये कि सरकार किसने बनाई। लेकिन राहुल गांधी गुजरात में हार के बाद भी नरेंद्र मोदी को 99 का नंबर याद दिला रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, इसका विश्लेषण भी जरूरी है। फरवरी से लेकर दिसंबर तक 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें सबसे पहले फरवरी में मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव है। अप्रैल में कर्नाटक में चुनाव होने हैं जहां कांग्रेस की 5 साल से सरकार। नवंबर और उसके बाद राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ की बारी है जहां बीजेपी सत्ता में है। और इसके बाद 2019 का वो चुनाव जिसमें विपक्ष को नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है। इसीलिए राहुल गांधी हिमाचल की हार भूलकर नरेंद्र मोदी को गुजरात याद दिला रहे हैं ताकि 2019 के लिए मोदी पॉलिटिक्स को अभी से घेर सके। इसीलिए राहुल गांधी ने आज गुजरात नतीजों को मोदी की साख से जोड़ा, जिसमें ये बताने की स्ट्रैटेजी है कि नरेंद्र मोदी जिस मॉडल की बात करते हैं वो फेल है। आने वाले दिनों में यह तय है कि राहुल गांधी लगातार यही बात दोहराते रहेंगे। राहुल गांधी को अपनी हार में जीत दिखना ही सही है, क्योंकि पहली बार गुजरात में कांग्रेस के अच्छे परफॉर्मेंस ने विपक्ष में जोश भर दिया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब कहीं ज्यादा मजबूती से विपक्ष लड़ेगा। आगे राहुल गांधी गुजरात वाले अपने चुनावी मॉडल पर ही चल सकते हैं। विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी राहुल गांधी को नेता मानने पर मजबूर हो सकती हैं, लेकिन यह भी कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, क्योंकि साख का सवाल राहुल गांधी पर भी गुजरात में अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद उठेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी के प्रमुख चेहरे के साथ कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ 27 चुनाव हार चुकी है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ही सवाल यह है कि अगर गुजरात की तिकड़ी का सहारा न होता तो क्या कांग्रेस को राहुल गांधी 80 के नंबर तक भी पहुंचा पाते? गुजरात में राहुल गांधी की हार वाली जीत के तीनों हीरो का विश्लेषण करना भी आवश्यक। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी, गुजरात में ये तीन युवा चेहरों का हाथ न होता तो राहुल गांधी हार कर भी खुद को चैंपियन बताते, इस पर बड़ा सवाल बनता। इसमें भी खास तौर पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को बीजेपी से टक्कर लेने वाली लड़ाई में तो ला ही दिया, क्योंकि चुनावी नतीजों का विश्लेषण बताता है कि बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे पाटीदारों के गढ़ में पहली बार कांग्रेस ने सेंध लगाई। पाटीदार बहुल 52 सीटों में बीजेपी 36 से घटकर 28 सीटों पर आ गई, जबकि इन 52 सीटों में कांग्रेस 14 सीटों से बढ़कर 23 सीटों पर पहुंच गई। यानी बीजेपी को पाटीदार बहुल 8 सीटों पर नुकसान, कांग्रेस को 9 सीट का फायदा हुआ। सौराष्ट्र और ग्रामीण गुजरात में पाटीदार बीजेपी से हटे, हालांकि शहरों में वो साथ रहे। हार्दिक पटेल, शहरी वर्सेस गांव, हमने एक डिवाइड देखा है, शहरी वोटर बीजेपी के साथ, तो क्या वहां पर विकास हुआ था कि वो खुश थे सरकार से? नहीं, बिल्कुल, शहर में जिस तरह से रोड रास्ते होते और वो सरकार का काम है, मतलब शहर में विकास हुआ होता है, लेकिन बिल्कुल शहरों ने उनके साथ राय है। मतलब थोड़ा वोट डिफरेंट काफी हुआ, जब भाजपा कांग्रेस के बीच में जो 50-50 हज़ार वोटों की हार जीत होती थी, वहां पर अब 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 वोटों से हुआ है, फर्क पड़ा है गांव में और शहरों के इलाकों में, डिवाइड हुआ है। पिछले 2.5 साल में गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद भीड़ जुटाने वाला दूसरा बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल ही रहे, ये इन चुनाव में भी दिखा।
पाटीदार आंदोलन के चेहरे रहे हार्दिक पटेल ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। वो पूरा जोर लगाकर प्रचार भी कर रहे थे, जिसका फायदा राहुल गांधी को मिला। लेकिन हार्दिक पटेल के ताकत लगाने के बावजूद शहरी इलाकों ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी पर ही भरोसा किया। यहीं पर हार्दिक पटेल फेल हो गए, क्योंकि जीएसटी आंदोलन के गढ़ सूरत में बीजेपी ने इस बार भी 9 की 9 सीटें जीत ली। यह हाल तब था जब सूरत शहर में हार्दिक पटेल की बड़ी भीड़ वाली रैलियां हुई थी। कमल का फूल, हमारी भूल कहने वाले कारोबारी वर्ग ने बीजेपी पर ही भरोसा किया। अहमदाबाद में 16 सीटों में 14 सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिली। राजकोट की 3 और वडोदरा की 4 सीट बीजेपी ने ही जीती। यही वजह है कि इसके बावजूद राहुल गांधी उस नंबर तक नहीं पहुंच सके जहां तक पहुंचने के लिए उनकी टीम ने हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश की जातिगत समीकरण वाली तिकड़ी चुनाव से ठीक पहले तैयार की थी। इसमें अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी गैर पाटीदार वर्ग से हैं, जिससे भी कांग्रेस को फायदा मिला, लेकिन इतना नहीं कि बीजेपी से गुजरात छीन लेते। गैर पाटीदार 130 सीटों में बीजेपी को 2012 के मुकाबले 8 सीट का नुकसान हुआ। दलितों के लिए आरक्षित 27 सीटों में बीजेपी को 2012 के मुकाबले 1 सीट कम मिली। आदिवासी बहुल 13 सीटों में बीजेपी को 2012 के मुकाबले 3 सीट कम मिली। देखिए, कोई कुछ भी बोले, क्या फैक्टर चला, हार्दिक पटेल का फैक्टर चला है, अल्पेश ठाकुर का फैक्टर चला है, जिग्नेश मेवाणी का फैक्टर चला है, राहुल गांधी जी का फैक्टर चला है, कांग्रेस का। हम लड़े तो है, जो लड़ते हैं उनकी हार जीत होती है। गुजरात चुनाव में इस तिकड़ी ने असर जरूर डाला है, ये चुनावी आंकड़ों ने बताया है। इसमें हार्दिक पटेल तो अपने परफॉर्मेंस से निराश लगते हैं, लेकिन अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में अपनी संभावित कद और जिग्नेश मेवाणी अपनी जीत से अति उत्साह में हैं। अरे 150 सीटों पर से उनका घमंड उतर गया और 99 पे आ गए, ये भी बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री। 99 पे आ गए और मोदी जी के पास अब कोई कहने को कंटेंट ही नहीं बचा है। और 46 से 83 पे आ गए, अब तो हम युवा आएंगे, राजनीति इस देश का युवा करेगा। युवा उम्र होने चली, उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए, उनको हिमालय में चले जाना चाहिए अपनी हड्डियां गलाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, मैं नहीं समझ पाई जिग्नेश, क्या आपको लगता है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको प्रधानमंत्री के लिए करना चाहिए? घर जाके बैठे आराम करे, बहुत बोरिंग आदमी हो गया है। उनको बोले कि आराम करे, भी रेस्ट करे, हम लड़ेंगे। आप बड़े इंटरेस्टिंग है, का वक्त हो गया, वो उनकी कोई बात नहीं सुनता, इज आउट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप बड़े इंटरेस्टिंग है, इसीलिए 80 पर जनता ने रोक दिया। मैं तो बहुत दिलचस्प हूँ, मैं बहुत दिलचस्प हूँ। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता है। अब ये अति उत्साह इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के गुजरात में बेस्ट परफॉर्मेंस का काफी हद तक क्रेडिट राहुल गांधी के साथ साथ इन 3 चेहरों को जाता है, जिसके सहारे गुजरात में कांग्रेस अपनी सीटों वाले नंबर को देख कर खुद को जीता हुआ मान रही है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम पाकिस्तान की परमाणु जंग लगी जुबान को काटने वाला विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में भारत को पाकिस्तान की परमाणु युद्ध वाली धमकी और पाकिस्तान को अमेरिका की लास्ट वार्निंग छिपी है। तो पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावना का इजहार किया है और इसके लिए उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और अमेरिका की दोस्ती को मुख्य वजह बताया। वैसे जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति तक परमाणु युद्ध की रट लगा चुके हैं, तो जंजुआ की हैसियत ही क्या है। वैसे जहां तक हैसियत की बात है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को टालना बड़ा जोखिम भरा हो सकता है और आजकल पाकिस्तान ये जोखिम जमकर उठा रहा है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब पाकिस्तान से उसके एटम बमों का हिसाब किताब मांगने का मन बना लिया है। आतंकवादियों का इंटरनेशनल अड्डा बन चुके पाकिस्तान की आज हम अच्छे से खबर लेंगे, जिसकी शुरुआत हम पाकिस्तान की लेटेस्ट परमाणु युद्ध वाली धमकी की हवा निकालने वाले विश्लेषण से कर रहे हैं। कंटिन्यूज टू पोज अ थ्रेट ऑफ कन्वेंशनल वॉर डिस्पाइट द न्यूक्लियर वॉर डिस्पाइट आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड वॉर कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन द रीजन। Keeping Pakistan under a constant threat of war. Ladies and gentlemen, कृपया ध्यान दें, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल नसीर खान जंजुआ ने एक बार फिर अपने परमाणु हथियारों का झुंझुना बजाया है और भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की अपनी हसरतों का इजहार किया है। जरा एक बार फिर ध्यान लगाकर सुने। Ladies and gentlemen, following the military thought
इंडिया कंटिन्यूज टू कार्व द स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर continues to pose a threat of conventional war despite the nuclear war, despite our nuclear capability, and war cannot be ruled out in the region, keeping Pakistan under a constant threat of war. वैसे तो अपने आतंकवादियों और अपने परमाणु हथियारों पर उछलना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन पाकिस्तान के एनएसए की लेटेस्ट परमाणु धमकी का आधार पाकिस्तान से ब्रेकअप करके भारत से नजदीकियां बढ़ाते अमेरिका से आ रहा अझेल प्रेशर। ये प्रेशर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेमिनार को संबोधित करते हुए नसीर जंजुआ की बातों में साफ झलकता है। यूएस एंड इंडिया हैव कनाइव्ड ऑन कश्मीर, यूएस स्पीकिंग द इंडियन लैंग्वेज, US is opposing our nuclear, US is opposing our CPAC, and in Afghanistan, India is a preferred ally. वैसे दिलचस्प बात यह है कि जब नॉर्थ कोरिया परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो पूरी दुनिया चिंता में पड़ जाती है, लेकिन पाकिस्तान जब परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो कोई उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वैसे भी पाकिस्तान को बात बात पर अपने परमाणु हथियारों का रौब झाड़ने की आदत है। जब भी पाकिस्तान को भारत से डर लगता है वो अपने परमाणु हथियारों की रट लगाने लगता है। जंजुआ एक मिलिट्री अफसर है, उनकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेबुनियाद है और इरेस्पॉन्सिबल है। वो जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो केवल वेपन्स ऑफ डेटरेंस हैं, उनको युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो उसका नुकसान होगा वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब कर देगा। उनकी स्टेटमेंट के पीछे सिर्फ यही है, दुनिया को कहना कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वो कश्मीर को जो हथियाना चाहता है उसमें अपने रुख का परिवर्तन करें। तो अभी दुनिया को एक किस्म से चेतावनी दे रहे हैं कि साउथ एशिया में इस माफिक का युद्ध हो सकता है, जबकि वो जानते हैं कि इस माफिक का युद्ध हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी नहीं किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने गलती की तो 8 से 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बात तो तय है कि भारत से परमाणु युद्ध की बात पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, तो फिर पाकिस्तान को अचानक अपने परमाणु हथियारों की याद कैसे आ गई? इस सवाल का जवाब अमेरिका में ट्रंप सरकार की नई फॉरेन पॉलिसी में छिपा है, जो 18 दिसंबर को ही जारी हुई है और जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनातनी की वजह से परमाणु युद्ध की संभावना पर अमेरिका विशेष कूटनीतिक नजर रखेगा। पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर भारत को मिला अमेरिका का साथ पसंद नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान को चिढ़ तो मच नहीं थी, और इसी चिढ़ के इजहार में पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी उगल दी। The NSA had to respond. General Janjua had to, and what only thing he can respond is that we have got nuclear weapons, and therefore it is a message more to his own people that don't worry about anything. We have got nuclear weapons to defend our country, which is actually the duty of every country to look after its own security. So we should read it with those lines. एक तो कश्मीर पर भारत को मिला अमेरिका का साथ क्या कम था, जो अमेरिका की नई फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर ये भी तय किया गया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका हर बार पाकिस्तान को ये साबित करने के लिए बाध्य करेगा कि वो अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के काबिल। तो मुद्दा ये है कि जिस पाकिस्तान के हुक्मरान खुद वक्त वक्त पर अपने परमाणु हथियारों का ढिंढोरा पीटते हैं, उन परमाणु हथियारों की सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई, तो पाकिस्तान की जुबान पर परमाणु युद्ध की धमकी चढ़ गई। लेकिन ये बात पाकिस्तान खुद भी जानता है कि भारत पर परमाणु हमला करने की उसकी दिली ख्वाहिश दिल में ही दम तोड़ती रही, क्योंकि अगर भारत ने परमाणु हथियार उठा लिए तो ना पाकिस्तान की कोई ख्वाहिश बचेगी और ना दिल में भारत को तबाह करने की ख्वाहिश पालने के लिए पाकिस्तान का नामो निशान बाकी रहेगा। अब और क्या कहें, बाकी पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।
जिस तरह पाकिस्तान के मन मस्तिष्क पर परमाणु युद्ध वाले कीटाणुओं ने डेरा जमाया हुआ है, उसी तरह आतंकवादियों ने पाकिस्तान की जमीन पर अपना डेरा जमाया हुआ है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन के पदचिन्हों पर चलते पाकिस्तान को खुद पर आने वाली आफत का एहसास तक नहीं है, क्योंकि जितनी ये बात साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध नहीं छेड़ सकता, उतनी ही ये बात भी साफ है कि अब भी अगर पाकिस्तान ने अपना आतंकवादी मोह नहीं छोड़ा तो अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं, और एक बार को मान ले कि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ भी देगा तो आतंकवादी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर पाकिस्तान कैसे अपने आतंकवादी प्रेम में पड़कर चारों तरफ से घिर चुका है, इसका नक्शा अमेरिका ने जारी किया है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान ने अब तक अमेरिका का जमकर फायदा उठाया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिसाब देने का वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि उसे अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों का सफाया करना ही पड़ेगा। And we have made clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. दुनिया जानती है कि अगर धरती पर आतंकवादियों का स्वर्ग है तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी ऐसे पैदा होते हैं जैसे गंदे पानी में मच्छर। और अब चिंता इस बात की है कि अफगानिस्तान के आतंकवादियों की नजर भी पाकिस्तान की उपजाऊ जमीन पर पड़ सकती है। इस खतरे से अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। Concern is really about Pakistan's stability. Pakistan has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories, and these organizations are growing in size and influence. That at some point, I have said the leadership of Pakistan, you may be the target. रेक्स टिलरसन की बातों में पाकिस्तान के लिए बड़े खतरे की घंटी बज रही है, जिसका जिक्र सोमवार को जारी ट्रंप सरकार की पहली फॉरेन पॉलिसी में भी है, जिसमें ट्रंप सरकार ने कहा है कि अपनी जमीन पर चल रहे आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। अमेरिका मानता है कि पाकिस्तान को सिर्फ उसकी धरती पर मौजूद आतंकवादियों से खतरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को उसकी सीमाओं से बाहर सक्रिय आतंकवादियों से भी खतरा है। आसान शब्दों में कहें तो बात यह है कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवादियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वहां आतंकवादी इंपोर्ट होने का खतरा है, और इस खतरे में कितना दम है ये विश्व मुजाहिर कांग्रेस नाम के समूह ने हाल ही में अमेरिकी सांसदों को एक पत्र भेजकर जाहिर किया था, जिसके मुताबिक आजकल पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी संगठनों की मदद कर रही है। अमेरिका और नाटो के लिए आपूर्ति मार्ग के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कराची तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के कब्जे में आ सकता है। और आसान शब्दों में समझाएं तो बात यह है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों का कब्जा हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इराक और सीरिया में ISIS ने कब्जा कर लिया था। वैसे जानकार तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को तो अभी भी आतंकवादी संगठन ही चला रहे हैं। आज दुनिया में 84 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से तकरीबन 12 जो सबसे खूंखार ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS और बोको हरम को छोड़ने के बाद बाकी 12 जो हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने जगह बना ली है। उनकी पूरी कोशिश है कि अपने आप को स्थापित कर पाए या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, उनकी तमाम कोशिशें विफल हो रही हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे, जैसे कि तरीके तालिबान पाकिस्तान छाया हुआ। तो टेररिज्म की साफ तौर पे वार्निंग है, जो आपने ये नाग पैदा किए, नाग अगर दूसरों को नहीं डस पा रहा किसी भी वजह से, तो जिन्होंने नाग पाले हैं वो उनके पाले हुए नाग उन्हीं को डसेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की सरकार चलती है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों का कितना बड़ा हमदर्द है ये दुनिया से छिपा नहीं है। पाकिस्तान अब चाह कर भी आतंकवाद से अपना पिंड नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादियों का नाता वैसा ही है जैसा शरीर और आत्मा का। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवादियों को दूध पिलाया है उससे अब आतंकवादियों के फन इतने बड़े हो गए हैं कि उसकी जद में पाकिस्तान भी आ गया है। अब अगर अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादियों की कब्र खोदने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान में आतंकवादी उत्पात मचा देंगे, और अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ अब भी कोई एक्शन नहीं लेता तो आतंकवादी पाकिस्तान पर कब्जा जमाने की तैयारी तो कर ही रहे हैं। अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आस्तीन में सांप पालने का मतलब क्या होता है। भारतीय रेल की पटरियों से उतरने की घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन अब हम आपको जो खबर देने वाले हैं उसका वीडियो देखे बिना आपको उस खबर पर विश्वास नहीं होगा, तो वीडियो देखिए और पूरी खबर सुनिए। वीडियो में जो मेट्रो ट्रेन दीवार से लटकी हुई दिख रही है वो दिल्ली में मेट्रो की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है। आज दोपहर करीब 3:30 बजे अपने ट्रायल रन के दौरान ट्रेन डिपो की दीवार तोड़ती हुई लटक गई। यह हादसा कालिंदी कुंज डिपो पर हुआ जहां नोएडा को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाला मजेंटा लाइन मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा था। इस लाइन का उद्घाटन पीएम मोदी 25 दिसंबर को करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही दिल्ली की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ने दीवार तोड़ एंट्री मारकर दिल्ली मेट्रो मैनेजमेंट को शर्मिंदा कर दिया। वो तो गनीमत थी कि हादसे के वक्त ड्राइवरलेस मेट्रो में कोई भी सवार नहीं था। मेट्रो ट्रेन मैनेजमेंट के अनुसार ट्रायल से पहले मेट्रो के ब्रेक को चेक नहीं किया गया था। भारत अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि गोवा पुर्तगालियों की गुलामी से कब आजाद हुआ था? जवाब है साल 1961 में, और आज गोवा का स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन 56 साल पहले 19 दिसंबर 1961 से के दिन भारतीय सेना ने गोवा को 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आजाद करवाया। दरअसल भारत सरकार की मांग के बावजूद पुर्तगाली शासन गोवा को आजाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा की आजादी के लिए पुर्तगालियों के खिलाफ ऑपरेशन विजय शुरू किया, और करीब 36 घंटे के अंदर अंदर भारत ने गोवा को आजाद करवा लिया। पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त 19 दिसंबर को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और इस तरह गोवा आजाद हो गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल राज किया और वो किसी भी कीमत पर गोवा को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन 1950 में गोवा की आजादी की मांग उठने लगी। 55 में करीब 3000 से अधिक सत्याग्रहियों ने गोवा की आजादी के लिए आंदोलन किया, जिसके बाद पुर्तगाली सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसक रूप लिया। तनाव बढ़ा तो भारत ने पुर्तगाल से सभी राजनयिक संबंध खत्म किए। हालांकि भारत की इस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ, बाद में भारत को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। खबरदार में आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।